नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना जोशी छेत्री। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधीनगर के ग्राम भारती में राष्ट्रीय मूलाधार नवाचार पुरस्कार किए प्रदान। प्रकाश सिंह रघुवंशी को फसलों की नई किस्मों के लिए लाइफ टाइम पुरस्कार के से किया सम्मानित। लोकसभा चुनाव को लेकर देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की मीडिया कर्मियों के साथ बैठक। मतदान से लेकर मतगणना तक की खबरों में मीडिया द्वारा बरती जाने वाली सावधानी के बारे में दी जानकारी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए प्रदेश में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने तेज की तैयारियां। चमोली और टिहरी में अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही सौंपी जिम्मेदारियां। उधम सिंह नगर में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए सपा बसपा का गठबंधन। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में बनी सहमति। सपा पौड़ी गढ़वाल तो बसपा हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी और अल्मोड़ा से लड़ेगी चुनाव। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में गांधीनगर के पास ग्राम भारती में आज राष्ट्रीय मूलाधार नवाचार पुरस्कार प्रदान किए। उत्तर प्रदेश के श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी को फसलों की नई किस्मों का पता लगाने के लिए लाइफटाइम पुरस्कार दिया गया। पशु चिकित्सक और पशु पक्षियों में आंतों के संक्रमण की हर्बल चिकित्सा खोजने का प्रथम पुरस्कार तमिलनाडु के सेलम से पेरिया सामी रामासामी को प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर नवाचार और उद्यमशीलता प्रदर्शनी फाइन का भी उद्घाटन किया। पुरस्कार जीतने वालों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान की सराहना की और कहा कि ग्राम स्तर पर नवाचार में लगे तीन लोग इस वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए चुने गए हैं। सेटिस्फैक्शन दैट दिस फेस्टिवल सीज पार्टिसिपेशन फ्रॉम सेवरल ग्रास रूट्स इनोवेटर्स हु हैव बीन इंस्पायर्ड टू फाइंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स दैट दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर कम्युनिटीज। I congratulate all the award winners. I hope they will continue to be an inspiration for the entire society. लोकसभा चुनाव को लेकर देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर के मीडिया कर्मियों के साथ बैठक आयोजित की गई। उन्होंने मतदान से लेकर मतगणना तक की खबरों में मीडिया द्वारा बरतने वाले एहतियात उपाय के बारे में दिशा निर्देश दिए, साथ ही पेड न्यूज पर नजर रखे जाने की बात की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने अपने क्षेत्रों के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मीडिया से आह्वान किया। ETPBS इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से जो हमारा सर्विस वोटर्स है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिकली हम अभी वोट भेजेंगे, परंतु जो पुराना सिस्टम था वैसे ही वो वापस आ जाएगा। मतलब ETPBS से जो वोट्स उनको बैलेट पेपर जो भेजा जाएगा उसको वो डाउनलोड करके 13A फॉर्म में जो रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन लेके उसके बाद वही 13B 13C लिफाफे में उसको नॉर्मल जो हमारा डाक सिस्टम है उसके थ्रू वापस किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जल्दी से जल्दी उनको उनका जो बैलेट पेपर है उनको मिल जाए ताकि उसमें पोस्ट के वजह से जो वापस रिटर्न के लिए आता है वो टाइम उसका टाइमिंग लेट ना हो। प्रदेश में पहले चरण में 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव संपन्न होना है, जिसके मद्देनजर उधम सिंह नगर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिला प्रशासन नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रुद्रपुर किच्छा की बस्तियों एवं डिग्री कॉलेज में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। वहीं लोगों ने जिला निर्वाचन कार्यालय की इस पहल की सराहना कर इसे बेहद महत्वपूर्ण कदम बताया।
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आज हमें सभी को ये बताया गया कि इस बार जो लोकसभा के आने वाले चुनाव हैं उसमें हम किस प्रकार ईवीएम का उपयोग करें और अपने मतदाता को सही मतदान करके चुने। और इसमें एक फैसिलिटी और बताई गई है कि इसमें हम जिस भी मतदाता को वोट मतदान कर रहे हैं तो जिसको भी हम वोट दे रहे हैं जो भी कैंडिडेट है उसका उसमें हमें पूरा समस्त ब्यौरा एक स्लिप के थ्रू प्राप्त होगा। इस नाटक को देख करके हमारे एरिया की जो पब्लिक है उनको जागरूकता मिली है कि हमें मतदान देना जरूरी है, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो 18 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं उनको वोट डालना जरूरी है जिससे कि हमारे बीच का जो नेता होगा अच्छा होगा। लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन के लिए चंपावत जिले में नोडल सेक्टर पीठासीन और मतदान प्रथम कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी रणवीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए जिले के 642 पीठासीन व मतदान प्रथम कर्मचारियों के साथ साथ सेक्टर और नोडल मजिस्ट्रेटों को भी ईवीएम और वीवीपैट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जितने भी हमारे पोलिंग अफसर हैं और प्रिसाइडिंग अफसर हैं उनको हम लोगों ने दो भाग में बांट के उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्पेशली इसमें हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं वीवीपैट के संबंध में उनको एक विशेष रूप से उनको ट्रेनिंग दें ताकि क्योंकि पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है तो वही ट्रेनिंग अभी चल रही है। अभी सेकेंड हाफ में दूसरा बैच दो बैच में हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। गौरतलब है कि जिले के चंपावत और लोहाघाट दोनों विधानसभा के कर्मचारियों को दो वर्गों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। टिहरी जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने बताया कि जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 927 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है, अधिकारियों को जिम्मेदारी बांटी गई है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जानने के लिए 1950 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए जिले को 22 जोन और 95 सेक्टरों में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि मीडिया सेंटर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। 94 पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी जबकि 23 मतदान केंद्रों पर कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन कार्यालय मीडिया प्रमाण एवं अनुवीक्षण केंद्र का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। आचार संहिता लग चुकी है और हमने सारे इंस्ट्रक्शन जो हमें मिले हैं उसको ERO को भी भेज दिए हैं और जो हमारी टीम है चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हो जोनल मजिस्ट्रेट हो नोडल अधिकारी हो सभी को हमने ब्रीफ कर दिया है और सबकी जिम्मेदारियाँ उनको समझा दी गई हैं और इसी के चलते जो आगे की तैयारी है वो भी चल रही है। हमारे पोलिंग स्टेशंस में भी जो तैयारियाँ होनी है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं और कहीं पर भी अगर कोई इशू है तो उसको भी रिजॉल्व करने के इंस्ट्रक्शन दे दिए गए। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सपा बसपा का गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोक चुकी हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर भी दोनों पार्टियों में सहमति बन गई है। सपा बसपा गठबंधन में मायावती और उनकी पार्टी को तरजीह दी गई है। सपा ने केवल गढ़वाल संसदीय सीट पौड़ी अपने पास रखने का फैसला किया है जबकि हरिद्वार नैनीताल टिहरी और अल्मोड़ा से बसपा चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जैसे ही हमें कैंडिडेट डिक्लेयर होगा वहाँ से पैनल में कई नाम भी गए हैं, कैंडिडेट जैसे डिक्लेयर होता है समाजवादी पार्टी युद्ध स्तर पे अपने काम में लग जाएगी। और जैसे आप जानते हैं कि 4 सीटों पे बसपा को हमने समर्थन दिया है, गठबंधन हमारा हुआ है और हमारे यूथ भी और सारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। राजधानी देहरादून के परेड मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल की रैली से पहले युवा कांग्रेस ने कांग्रेस मुख्यालय से बाइक रैली निकाली। बाइक रैली को प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने झंडा दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली कांग्रेस मुख्यालय से होती हुई शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना हुई। इसमें हमारे पूरे उत्तराखंड से मजदूर किसान नौजवान सेना के लोग सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये एक नया जिहाद देवभूमि से वीरभूमि से आगे जाएगा। गौरतलब है कि 16 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देहरादून पहुंचेंगे और चुनावी शंखनाद करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की बाइक रैली पर कटाक्ष करते हुए बाइक रैली को फ्लॉप शो करार दिया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की विशाल रैली की हवा आज कांग्रेस की बाइक रैली में निकल गई है। कांग्रेस की हालत उत्तराखंड में खोखली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परिवर्तन रैली पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। राहुल गांधी अपनी रैली करने आ रहे हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस के नेता जो विशाल रैली का दावा कर रहे हैं उसका हवा इस रूप में निकल गई कि जो उनके एडवांस बाइक रैली हुई है वो अपने आप में बहुत कमजोर सामने आई है। उनके द्वारा इस रैली को परिवर्तन रैली का नाम दिया गया है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश के अंदर अपनी परिवर्तन यात्रा भी निकाल नहीं पाई है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, तो राहुल जी अपनी बात को कहेंगे तो ये इसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने लोकसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए सभी कार्यालय के अध्यक्षों की बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दिए। चुनाव के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी तैयारियों के दृष्टिगत अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी कार्मिक को आवश्यकतानुसार तत्काल कार्य पर लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि बिना जिलाधिकारी की लिखित अनुमति के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपना मुख्यालय ना छोड़ें और अपने अधीनस्थ कार्मिकों को भी बिना किसी अनुमति के मुख्यालय छोड़ने के निर्देश दिए। इस बीच सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप कार्यक्रम के तहत आज बीएड कॉलेज जिलासू में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मजबूत लोकतंत्र में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शपथ दिलाई गई। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधीनगर के ग्राम भारती में राष्ट्रीय मूलाधार नवाचार पुरस्कार किए प्रदान। प्रकाश सिंह रघुवंशी को फसलों की नई किस्मों के लिए लाइफटाइम पुरस्कार से किया सम्मानित। लोकसभा चुनाव को लेकर देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की मीडिया कर्मियों के साथ बैठक। मतदान से लेकर मतगणना तक की खबरों में मीडिया द्वारा बरती जाने वाली सावधानी के बारे में दी जानकारी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए प्रदेश में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने तेज की तैयारियां। चमोली और टिहरी में अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही सौंपी जिम्मेदारियां। उधमसिंह नगर में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए सपा बसपा का गठबंधन। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में बनी सहमति। सपा पौड़ी गढ़वाल तो बसपा हरिद्वार नैनीताल टिहरी और अल्मोड़ा से लड़ेगी चुनाव। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।